पिछले अदला बदली वाले वीडियो में आपने देखा कि कैसे शनाया केशव चाचा के पास जाती है और वहाँ पे उसे अपनी असली बड़ी बहन मिल जाती है। अब देखना ये है कि उसकी बड़ी बहन क्या तूफान लाती है उसकी जिंदगी में। तो अब इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब आगे कहाँ फंस गई मैं? अनाया क्या चाहती हो तुम? स्टारबक्स पीने वाले लोग आज टपरी की चाय पी रहे, कितना माल टूसेगी कपूर का। कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे, कपूर के आस पास भी दिखे ना तो लात मार के भगा दूंगी। बांटने की बारी आई तो तेरे गुर्दे छिल रहे हैं। और बापू सबसे ज्यादा शिकायत तो हमें तुमसे है, इसको गोद दे दिया हमने, क्या कांटे लगे? उनको मेरी शक्ल पहले से ही पता चल गई होगी कि शनाया कपूर ही उस घर में डिजर्व करती है जा रहा। बेटी तो हमें चाहिए नहीं थी, तुम पैदा हुई हम तुम्हें मान नहीं पाए, ये आ गई। हमने सोचा यही अच्छा मौका है, कम से कम जान तो छूटेगा एक से, और अब लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। अब जो अनाया का है वो शनाया का है, जो शनाया ने पाया है वो सब अपना है। ओ हेलो, ना तुम मेरे कोई रिश्तेदार हो और ना मेरी फैमिली हो, मैं कपूर की फैमिली हूँ। और अगर कपूर के आस पास कहीं भी दिख गए ना तो लात मार के भगा दूंगी। और चाय मांगी थी, पानी नहीं। बढ़िया है, अदला बदली करेंगे, बिल इनसे ही मांगना, मिल भी बताना सामने। नहीं यश, मैंने अभी शनाया को नहीं बताया, तुम आ जाओ, हमें शिमला भी जाना है। ओके, सी यू सून। नमस्ते महेश साहब। अरे अनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, स्कूल नहीं गई? हमने स्कूल छोड़ दिया। ये चुड़ैल यहाँ पहुंच गई क्यों? हमें पता चला बापू ने आपसे कितनी बदतमीजी करी, बापू को आपने निकाल के सही किया, रखना भी नहीं चाहिए। जिसका नमक खाता है उसी का नमक हराम करते हैं, पर आप हमें इस घर में छोटी सी जगह दे दीजिए। बापू बहुत मारता है, दारू पी के हमें बहुत पीटता है, हाथ उठाता है, एक दिन तो हमें पैर से भी मारा। लेकिन मक्कार, अगर मैं अनाया को शनाया की तरह रखूं तो शायद केशव इन सब बातों को भूल जाए, और फिर जब उसकी दोनों बेटियां अच्छे से रहेंगी तो फिर उसे क्या दिक्कत होगी। यही ठीक रहेगा। एक काम करो, आज से तुम यही रहोगी। बेटा तुम और शनाया दोनों एक जैसी हो। सपना, अनाया को शनाया के रूम में एडजस्ट करो। आपकी बहुत मेहरबानी। नमस्ते मैम साहब। तू यहाँ क्या कर रही है? कहा था ना हम कपूर के कहीं पास नहीं, मत आ जाना। क्या करेगी, उन्हें बोलेगी जाकर? भूल गई तू हमारे बाप के सामने आई थी भीख मांगने, हमारी जिंदगी से चली जाओ। अब क्या हुआ? वो मेरी माँ है, वो मुझसे ही प्यार करती है। ना 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 ना, ये मत भूल, तेरी मम्मी केवल अपने स्टेटस से प्यार करती है, तुझसे नहीं। और उनके जो एक तौर तरीके है ना, ये तो मैं एक मिनट में सीख जाऊँ और फिर बनूंगी मैं दी अनाया यश। इसकी बात अगर सच निकल गई तो मम्मी ने तो मेरे को हमेशा से सिखाया है उनके यही तौर तरीके। अगर इसलिए मेरी रिप्लेसमेंट बन गई तो मेरे को वो घर में जाना पड़ेगा और मेरे को भी मम्मी निकाल देंगी। शनाया का घर अब तो बदलना पड़ेगा। मेरा रूम में मत जा। साला हमारे पास घर में फटे हुए ब्लाउज सिलने के लिए कतरन नहीं है, इनको देखो घर पे ही शोरूम खोल रखा है। ध्यान से, वो सारे ब्रांडेड हैं। ये तो गुची का है, पर तेरे ऊपर गुस्सा ही लगेगा। अरमानी का, इसमें तो तेरे कभी अरमान पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो जारा की है, पर तेरे पे जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। सुने लगेगी इसमें तू चंटा चुड़ैल। अरे बाप रे, बर्बाद लगेगी तू इस ड्रेस में। पीला तो हम पे बहुत जचेगा। टट्टी लगोगी बिल्कुल। राडा, तेरा बहुत हो रहा है ज्यादा। तेरी वो क्या है, असली खजाना तो वहाँ है। अरे हटला, कुछ नहीं है यहाँ पे, बैठ प्लीज, कुछ नहीं है। अब हम दोनों एक बराबर, जो तेरा है वो मेरा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा।
बहन ये कद्दू नहीं है, ये मेरी सालों की कलेक्शन की फेवरेट पीसेस है। तू नहीं समझ रही ना, कहा था ना कपूर से दूर रह, तू मेरी वॉर्डरोब को खोलता ही। बहुत उड़ रही है ना। अरे कौन सी चट्टी का वॉर्डरोब होती है कुत्ती। दो टाइम की जिल्लत की रोटी और चौल का पानी। ले जो लेना है। ले ले क्या? ले रही हूँ मैं। क्या हुआ सपना दीदी? मिट्टी गिर गई। लो मैं समटवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, घर पे 10 नौकर इसलिए रखे ताकि हमें काम करना पड़े। सपना क्लीन बिजनेस। हाँ सपना दीदी क्लीन बिजनेस। मम्मा अपने इतने सारे नौकर ऐसे फालतू में रखे कि मैं सारे मिट्टी उठाऊं। और इसी बीच कपूर आंटी ने अनाया को शनाया का केयरटेकर बना दिया और अनाया इस बात से बहुत चिढ़ गई क्योंकि उसे लगा था कि आंटी तो उनसे इम्प्रेस हो रखी है। और फिर अनाया ने अपने पापा के साथ मिलकर इनको मारने की साजिश। अपना ही घर समझो। ये कि सबको इस घर में किसी ने देख लिया ना जूते मार के निकालेगा। अरे कोई नहीं देखेगा बापू, और अगर मेरे हिसाब से चलो ना तो आगे भी कोई नहीं निकाल सकता। साली उस बुढ़िया के चक्कर में क्या कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन वो बुढ़िया टस से मस नहीं हुई। क्या सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है। अगर वो टस से मस नहीं हो रही तो हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई ना तो दोनों बाप बेटी जेल में चक्की पीस रहे होंगे। कुछ नहीं होगा बापू। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है कार एक्सीडेंट में कपूर दंपति की शायद मौत हो चुकी है। उनकी कार का अभी तक पता चला नहीं है, उनकी बेटी को खबर कर दी गई है, शायद लास्ट मिनट लानी मुश्किल हो। एक्सीडेंट के 13 दिनों बाद तो अभी तक ये नहीं यकीन हो रहा है कि मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में। हो गया तुम लोगों का ड्रामा, तो ये कचरा उठाओ और निकलो यहाँ से। अन्ना! भूतनी भी ना दलदल छोड़ के बात करती है। जिस घर में तूने नमक खाया उस घर में तूने ये सब। हाँ मैं हूँ चुड़ैल, हूँ मैं चालबाज, हूँ मैं डायल। तुझे क्या लगा आंटी चली जाएगी तो मैं आंटी आंटी नहीं होता मुझसे ये सब। अपने मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर उठा, मेरे घर से दफा हो। तेरा घर? मैं आप लोगों को एक बार मिसेस कपूर की आखिरी नसीहत पढ़कर सुना देती हूँ। मैं मिसेस कपूर अपने पूरे होशो हवाज में अपनी सारी प्रॉपर्टीज अनाया कपूर के नाम करती हूँ। अनाया कपूर के नाम करती हूँ। वकील साहिबा, यहाँ क्या कर रही हो? कितना कमा लेती हो? तुम्हारी औकात से बाहर। और अगर तुम्हारी औकात बढ़ा दी जाए तो? मतलब कपूर की जो वसीयत है उसमें एक नाम है शनाया, उसकी जगह तुम्हें अनाया कर। और अगर मैं ये बात मिसेस कपूर को बता दूँ तो? कपूर की प्रॉपर्टी का 20% आपके नाम। फिर भी मैं ना करूं तो? 30% 40 डील। ये
ये हो ही नहीं सकता। बेमान, तेरे को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम लॉयर? कॉलर छोड़िए मेरा, वरना आपको भी मैं जेल पहुंचा सकती हूँ। हो गया, अपनी फोटो एक तामझाम उठा और दफा। सुनाया दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें, हमारा भी एक घर है, आप चिंता मत करिए, कोई तकलीफ नहीं देंगे हम आपको। वैसे भी अब इस घर से नाते ही छूट गया। छोटा सा मेरा गरीब नहीं शनाया, मैं एकदम ठीक हूँ। पर मामा, आपको तो एक्सीडेंट हुआ था ना? नहीं बेटा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या? सपना ने हमारी मदद की है। अनाया ने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करने की कोशिश की थी सपना के भाई की मदद से। और आपने उनकी मदद की? नहीं की, वो इसको ब्लैकमेल कर रही थी। क्या मिला तुझे इस घर से काम करके? सब मिला है मुझे। सब मिला है? तो ये क्या है? दीदी सच्ची में मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मुझे इसलिए पैसे चाहिए थे। प्लीज दीदी किसी को बताना, मैं आपके पैर पड़ती थी, प्लीज उसको मत बताना। तेरा भाई यहाँ पर ड्राइवर है ना, तो एक काम कर, कल मिस्टर एंड मिसेस कपूर की गाड़ी मनाली जा रही है, उनकी ब्रेक फेल कर। नहीं दीदी, हमसे ये गुनाह नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, ये क्लिप मैं सारी जगह दिखा दूंगी, ना इस घर में काम कर पाएगी ना आगे के चार घर में। दीदी दीदी, हम कर देंगे आपका काम, कल तक हो जाना चाहिए। पर आज मैं समझती हूँ मजबूरी क्या चीज होती है। तो आप वापस क्यों नहीं आए इतने दिनों तक? मैं देखना चाहती थी अनाया किस हद तक गिर सकती है। हाँ मामा, उसने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। शनाया, अपना हक और अपना अधिकार कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई है। चलो मम्मी घर, लगता है नाया के क्लाइमेक्स का टाइम आ गया। अनाया, अनाया, शनाया, तू सिक्योरिटी निकालो से बाहर। निकालने से पहले किसी से मिलेगी नहीं। आंटी आप जिंदा है? आंटी, आंटी आपके मरने के बाद मैं। चुप कर मक्का। शनाया, आज कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, आज निकाल इसे अपने घर से, अपने तरीके से। हाँ, इतनी मुश्किल से छुटका पाया अनाया से। तो ये थी हमारी किस्मत की अदला बदली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, आप लोगों को कॉलेज वाले वीडियो बड़े अच्छे लगते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो लाऊं कॉलेज से रिलेटेड, तो 50,000 लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मिलती हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटे केयर एंड बाय बाय।